नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल सिरसा का इतिहास। एक ऐसा ऐतिहासिक नगर जिसका इतिहास वाकई में हजारों साल पुराना है, जिसका जिक्र महाभारत जैसे ग्रंथों में भी है। कई पौराणिक ग्रंथों के अंदर इसकी चर्चा भी की गई है। दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर पंजाब और राजस्थान की सीमा पर बसे सिरसा शहर का ऐतिहासिक महत्व सरस्वती नदी से जुड़ा है। कभी इस क्षेत्र में कल कल करती और बहती सरस्वती नदी के किनारे जीवन और सभ्यता की पहचान सिरसा शहर के रूप में हुई। यहाँ पर पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी संस्कृति की त्रिवेणी कही जाने वाली इस जीवन धारा की स्थापना के बारे में प्रचलित है कि अंग्रेजी शासन थेरोस वाई ने 1837 में राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर की तर्ज पर चार चौपट आठ बाजार के रूप में इसे विकसित किया था। सिरसा का प्रत्येक बाजार एक दूसरे को 90 कोण पर विभाजित करता है। यह शहर रेल मार्ग से बठिंडा, अमृतसर, हिसार, नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग से दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब व राजस्थान के प्रमुख नगरों से इसका संपर्क है। 1966 में हरियाणा की स्थापना के समय सिरसा हिसार जिले का एक उपमंडल था। 1975 में इसे जिला की तर्ज पर दर्जा दिया गया। सिरसा जिला में फिलहाल तीन उपमंडल डबावाली, सिरसा और एलनाबाद हैं। वहीं इस जिले के सात खंड भी हैं। सिरसा, डबावाली, एलनाबाद, रानिया, बड़ागुड़ा और ओढ़ा व नाथूसरी चोपटा। बताया जाता है कि इस जिले की जनसंख्या लगभग 11 लाख के करीबन है। दोस्तों, सिरसा जिला कपास की पैदावार के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। हरियाणा जिला में सिरसा का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि पूरे भारत में पांचवा स्थान। इस जिले में गेहूं, धान की अच्छी पैदावार होती है, जिस कारण इस जिले में मार्केट फीस के रूप में प्रदेश सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होता है। सिरसा में सरसों, गवार, बाजरा, जौ और दलहनी फसलें भी पैदा होती है। खेतीबाड़ी अधिक होने के कारण ट्रैक्टरों की संख्या पूरे देश भर में यहाँ अधिक है। सिरसा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति आई है। यही कारण रहा कि यहाँ पर देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विद्यापीठ, इंजीनियरिंग कॉलेज पनीवाला मोटा और इसके अलावा कई महाविद्यालयों की स्थापना की गई। यहाँ पर एक नेशनल कॉलेज भी था, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। देश व प्रदेश की राजनीतिक के क्षेत्र में सिरसा का नाम विशेष है। आपको बता दें कि सिरसा जिला के गांव चौटाला के निवासी चौधरी देवीलाल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इसके बाद वे देश के उप प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन रहे। वहीं उनके पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी देवीलाल के पुत्र और चौधरी रणजीत सिंह आजकल हरियाणा में बिजली मंत्री हैं और इसी परिवार से चौधरी देवीलाल के परपोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी उप मुख्यमंत्री से लेकर के उप प्रधानमंत्री तक का दर्जा, पद और मान सिरसा शहर ने दिया। वहीं धार्मिक दृष्टि से यहाँ प्राचीनतम डेरा सरसाई नाथ का भी है और इसी से सिरसा शहर को जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि बाबा सरसाई नाथ की कृपा से सिरसा शहर में समृद्धि और विकास के द्वार खुले। जब इनका जिक्र आता है तो मुगल शासक शाहजहां का भी यहाँ जिक्र अवश्य आता है। एक बार शाहजहां का बेटा दारा बीमार हो गया था और शाहजहां ने बाबा सरसाई नाथ के डेरे में आकर के बेटे के स्वास्थ्य की और आयु की कामना की और उन्हें इसका लाभ भी मिला और इसी डेरे की कृपा से आज शहर का बहुत प्रतिष्ठित महाराजा अग्रसेन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ पर कई धर्मशालाएँ भी हैं और धार्मिक कड़ी में ही एक गौरव गाथा भी इससे जुड़ी हुई है। रानिया रोड पर स्थित गुरुद्वारा चीला साहिब, जिसका उल्लेख पूरी श्रद्धा से किया जाता है। सिख समुदाय सहित पूरे वर्गों में इस गुरुद्वारा के प्रति अटूट आस्था है। प्रत्येक अमावस्या पर यहाँ लगने वाला मेला भी दर्शनीय होता है। कहा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी एक उदासी के दौरान यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने यहाँ पर एक मुसलमान फकीर ख्वाजा के साथ 40 दिन तक तपस्या की थी और लोगों को सच पर चलने का उपदेश भी दिया। श्री गुरु नानक देव जी की याद में
बने इस गुरुद्वारे के अलावा यहाँ पर दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में भी एक गुरुद्वारा पातशाही दसवीं बना हुआ है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण दिशा की ओर जाते समय यहाँ पर ठहरे थे। इसके अलावा सिरसा के बीचों बीच हिसार रोड पर स्थित एक राधा स्वामी सामुदायिक सत्संग भवन भी है, जिसकी स्थापना 1947 से पहले हुई, जिसकी राधा स्वामी समुदाय के साथ लोगों को जोड़ने में एक अहम भूमिका रही है। सिरसा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गांव सिकंदरपुर को समुदाय का केंद्र माना जाता है। अनेक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल का निर्माण भी यहां किया गया है और यहीं इसी सत्संग घर में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी भी काफ़ी समय तक तपस्या करते रहे और उन्होंने 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। इसके अलावा यहाँ जिला के गांव संगरसादा में कंबोज समाज का धार्मिक स्थल डेरा बाबा भूमन शाह भी बना हुआ है। वहीं सिरसा जिला में स्थित श्री जीवन नगर नामधारी समुदाय का मुख्यालय भी है। नामधारी समुदाय के सतगुरु प्रताप सिंह ने इसे बसाया था। इसके अलावा जिला के गाँव जगमाल वाली में 1965 में संत गुरबख्श सिंह मैनेजर साहिब ने मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम की स्थापना की। सिरसा में एक ऐतिहासिक थेहड़ भी है जो हजारों साल पुराना है। देश भर में ये काफ़ी चर्चा का विषय भी बना। पुरातत्व विभाग ने इस जगह को लोगों के कब्जे से छुड़वा लिया। बताया जाता है कि यह प्राचीन समय में 88 एकड़ में फैला हुआ था, जो एक विशाल दुर्ग के रूप में था। इसके साथ भी कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ रची गई हैं। कहा जाता है कि कई सच्ची कहानियाँ इस पर गठित हुई। कई आक्रमणकारियों का ये दुर्ग साक्ष्य रहा है। सिरसा शहर के आसपास हड़प्पाकालीन संस्कृति के भी कई चिन्ह मिले हैं। यहाँ के पुरातन हाथी पार्क के स्थान पर श्री गोविंद सिंह तथा वहाँ के श्रद्धावान सिख भाई कन्हैया की याद में शानदार स्मारक भी यहाँ बनाया गया। और सबसे अहम चीज, यहाँ पर सिरसा शहर के डबावाली रोड पर भारतीय वायुसेना का केंद्र भी है, जो पूरी तरह से लड़ाकू विमान का केंद्र है, जो कि देश की सुरक्षा में अहम भूमिका हमेशा निभाता है। दोस्तों, सिरसा के इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बताएंगे, जो पार्ट संख्या 6 में लेकर आएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।